मेरे पास है ये लेटेस्ट स्मार्ट वॉच जो कि है 84,000 रुपीज वाली और मुझे मिली है सिर्फ 4,000 रुपए में। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं इस वॉच की तरफ। तो आपको इस वॉच को देखकर कुछ लग रहा होगा, ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा, एग्जैक्ट वो नहीं है, उसकी कॉपी है। तो यहाँ पर देखने में अगर हम लुक्स की बात करें तो हूबहू कोई भी नहीं कह सकता है कि ये एप्पल वॉच नहीं है, देखने में आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा ही लगती है। लेकिन ये असल में वॉच है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर, तो फायरबोल्ट की तरफ से आती है। और इस वॉच का जो यहाँ पर मॉडल नेम है वो है ग्लैडिएटर। इसके प्राइस है 4,000 रुपये। देखने में बिल्कुल एप्पल वॉच जैसी है, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है ताकि मैं आपके लिए रिव्यू करूँ, देखूँ कि 4,000 रुपये के अंदर आपको कैसी स्मार्ट वॉच मिल जाती है। अब लुक्स तो सिमिलर है, बाकी चलने में, फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आपको एप्पल वॉच जैसी मिल जाती हैं और क्या चीजों की कमी है और क्या 4,000 रुपए में आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं। सो गाइस, ये वॉच जो मैंने मंगाई है अमेज़न से मंगाई है। अब मैं वहां पर स्क्रॉल कर रहा था कुछ लेटेस्ट गैजेट मंगाने के लिए आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए, तो ये वॉच मुझे दिखी और 4,000 रुपए में देखने में सिमिलर एप्पल जैसी लगी, तो मैंने इसे झट से ऑर्डर कर ली। यहां पर इसकी अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो जो क्वालिटी है बिल्ड मटेरियल वो काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। जो इसका केस है वो मेटालिक केस है यहां पर और हूबहू एप्पल वॉच जैसी है। साइड में जो क्राउन बटन है ये एक्चुअली में वर्किंग है और इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पर एक और ये आपको बटन मिल जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन माइक भी है, स्पीकर भी है, आप कॉल्स यहीं से आंसर कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ कॉलिंग ये स्मार्ट वॉच मिल जाती है और जैसे एप्पल की तरह स्पीकर साइड में होता है ना, यहाँ पर स्पीकर दिया गया है। एक चीज़ की जो मुझे कमी लगी, स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन स्ट्रैप्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल हर एक स्मार्ट वॉच के अंदर आपको रिमूवेबल स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। अब इन्होंने इस चीज़ में ऐसा क्यों किया ये मुझे मालूम नहीं। बाकी पीछे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलती है, बाकी कहीं पर भी नहीं है, इतनी सी यहां पर दी गई है। तो अगर आप इस वॉच को पहनेंगे तो दूर से या पास से भी कोई देखेगा तो जल्दी से नहीं बता पाएगा कि ये एप्पल वॉच नहीं है। तो लुक में आपको जो ये है 84,000 रुपीज़ वाला काम करने वाली है। ये तो थी इसके लुक्स की बात। इसकी जो स्क्रीन है वो भी काफ़ी मैसिव है। यूजुअली जो वॉचेज़ होती हैं उसके अंदर स्क्रीन आपको इस साइज़ की नहीं मिलती, यहाँ पर आपको 1.96 इंच की स्क्रीन मिल रही है जो कि काफ़ी मैसिव साइज़ है और बीजल्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा थिन है। ओवरऑल स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पर आपको एक अच्छी स्क्रीन मिल जाती है। और इस वॉच का जो यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं इसकी बाकी सारे फीचर्स की। तो नॉर्मली जो वॉच के अंदर आपको फीचर्स मिलने चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर मिल जाता है। हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, SPO2 मिल जाता है, यहाँ तक कि इस वॉच के अंदर BP चेक करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, आप मेडिकल इक्विपमेंट की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन एक ऑप्शन मिल जाता है तो आप उससे अभी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी की बात करें तो काफ़ी सही एक्यूरेसी मिल जाती है। एक अच्छा फीचर मुझे यहाँ पर लगा कि इसमें हार्ट रेट आपको अलर्ट मिल जाता है। अगर आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मल होती है तो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगा, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसके यूजर इंटरफेस की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे दिखाता हूं कि क्या और फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं और अगर कुछ और कमी है तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, अब इसके यूजर इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो वॉच फेसिस है वो बिल्कुल एप्पल जैसा वॉच फेस मिल जाता है और ये जो क्राउन बटन है ये वर्किंग है। यहां से मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप वॉच फेस चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइज वॉच फेस भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपना फोटो लगाया हुआ था, ये वाला वॉच फेस मुझे काफी कूल लग रहा है। यहां पर सारी ही डिटेल्स आपको इस वॉच फेस के अंदर मिल जाती हैं। नेविगेशन की बात करें तो यहां पर ये दो बटन दिए गए हैं। ये जो बटन है ये आपका शॉर्टकट बटन है, सारी आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ जाती हैं और इससे आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेट कर सकते हैं और टच के थ्रू तो कर ही पाएंगे यहाँ पर। और इधर से स्वाइप करेंगे तो ये कुछ शॉर्टकट आइकन्स हैं। इसके अंदर आपको जो है सीरी और गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे मैंने अपने आईफोन से कनेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको सीरी का ऑप्शन दिख रहा है और ये कुछ बेसिक यहाँ पर जो मोस्ट यूज ऐप्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं और बाकी सारी ऐप्स जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये स्टाइल भी बिल्कुल एप्पल वॉच जैसा है। और एक और कूल चीज़ इसके अंदर है, अगर हम बैक जाते हैं तो मैं आपको यहाँ से इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। और सेटिंग्स के अंदर जो ऑप्शन है आप इसका जो मेनू है वो चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाके यहाँ पर मेनू व्यू में आप, ये मैंने हनीकॉम जैसे एप्पल जैसा है वो सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर लिस्ट व्यू कर सकते हैं, ग्रिड व्यू कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, सरफेस कर सकते हैं, क्रीसेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर जो व्यूज़ मिल जाते हैं, मतलब आप अलग अलग स्टाइल में जो मेनूज़ हैं वो सेट कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। और इधर से स्वाइप करते हैं ये बेसिक ऑप्शन से, यहाँ पर आपका एक कॉलिंग का है, रिसेंट कॉल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और अभी से मैं दोबारा जाता हूँ तो डायल पैड आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। यहाँ से कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हैं, 8 कॉन्टैक्ट्स इसमें डाल सकते हैं। बाकी कॉलर आईडी आपको सबकी मिल जाती है जिसका भी फ़ोन आता है।
अगर हम ऐप्स में जाएं तो बहुत सारी ऐप्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी और इसमें गेम्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको गेम्स दिखाता हूँ, इसके अंदर ये गेम्स का ऑप्शन है और चार पांच आपको इसके अंदर गेम्स मिल जाते हैं। वैसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्मार्ट वॉच के अंदर कोई गेम खेलता है या नहीं, वैसे मैंने तो कभी नहीं खेला गेम यहाँ पर। और बाकी चीज़ें चेक करें इसके अंदर तो ये आपका क्लॉक का ऑप्शन वापस आ जाता है यहाँ पर। अब बहुत सारी ऐप्स हैं इसके अंदर, कैलकुलेटर का भी मिल जाता है, बाकी यूजुअली जो सारी ऐप्स आपको चाहिए होती हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक आपको जो ऑप्शन चाहिए होते हैं, देखिए यहाँ पे एक टॉर्च का ऑप्शन हो गया है, और बैक जाते हैं तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस मैंने यहाँ पर फुल की हुई है, स्लीप कितने टाइम में स्क्रीन ऑफ होगी जैसे मैंने 30 सेकंड कर दिया, यहाँ ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते हैं। वॉच फेसिस अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं वॉच फेस चेंज, और वापस से अगर उसी सेटिंग्स के अंदर जाएं तो DND मोड मिल जाता है, लो पावर मोड मिल जाता है, फ़ोन कनेक्टेड है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब पीछे चलते हैं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये वही मेनू वाला आपको ऑप्शन जो मैंने दिखाया था वो आपको यहाँ से मिल जाता है। मैं ये लिस्ट व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर दिख पाए कह कह के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्टिविटीज़, फ़ोन कॉल, हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लीप, BP, ये सारे ऑप्शन आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। कभी कभी होता है कि मैं टच करता हूँ स्क्रॉल करने के लिए और वो ओपन हो जाता है, ऐसे ही इसमें मैंने देखा है। वेदर वगैरह आपको इसमें यहाँ पर अच्छा दिख जाता है, ये कैमरा शटर का ऑप्शन है, आप कैमरा यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे अपने फ़ोन का, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर का जो ऑप्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप म्यूज़िक यहीं से प्ले कर सकते हैं और इसी के स्पीकर में जो है आपको आवाज़ आ जाएगी, यहीं से म्यूज़िक प्ले हो जाता है। ये देखिए तो इसका जो स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको कॉल करके दिखाऊंगा कि कॉल की क्वालिटी कैसी रहती है। अब नोटिफिकेशंस की बात करें तो नीचे से आप ऐसे करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जैसे ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, अब इसे यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी एक चीज़ मुझे ये नोटिफिकेशंस में ये कमी लगी कि आप रिप्लाई वगैरह नहीं करते हैं और इमोजीज वगैरह जो हैं वो भी आपको नहीं दिखती हैं। हेलो, आवाज़ कैसी आ रही है? मैं एक स्मार्ट वॉच टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका स्पीकर कैसा लग रहा है? तो मैं आवाज़ मेरी हल्की आ रही है या कैसी है? आवाज़ मुझे सही आ रही है, क्लियर आ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब बहुत हल्की लग रही हो, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ? तो मुझे भी वैसे स्पीकर जो है तुम्हारा यहाँ पर आवाज़ जो आ रही है स्पीकर से मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे आवाज़ सही है। थोड़ा सा इतना लाउड तो नहीं है कि बाहर आउटडोर में सुन पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो सही लग रहा है मुझे यहाँ पर क्वालिटी इसकी। तो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि कॉल की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही है, स्पीकर अच्छा है, लेकिन इतना लाउड तो नहीं है, स्मार्ट वॉच इसका इतना लाउड नहीं होता है, तो आउटडोर में नॉइज़ में शायद प्रॉब्लम हो आपको, लेकिन इंडोर आप इससे बात करना चाहेंगे तो आप यहीं से कर पाएंगे। तो 4000 रुपये के अंदर 5 वोल्ट की जो वॉच है ग्लैडिएटर, ये मुझे काफ़ी सही लगी। ओवरऑल सारे अच्छे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, साथ ही साथ जो लुक्स हैं वो आपको एप्पल वाले तो मिल ही जाते हैं, तो लुक्स के मामले में तो कोई पीछे है ही नहीं ये वॉच। एक कमी लगी कि स्ट्रैप्स आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब बाकी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच कैसी लगी, एप्पल वॉच जैसी लगी या कुछ चेंजेस लगे, आप ये ज़रूर बताइएगा। इसकी अगर बैटरी की बात करें, क्योंकि स्मार्ट वॉच के अंदर बैटरी काफ़ी ज़रूरी होती है, बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है यहाँ पर, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 6-7 दिन का आपको प्लेबैक टाइम आराम से मिल जाता है, और बहुत ज्यादा कॉलिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 दिन तक का टाइम मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है, और इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ आपको यहां पर यह मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप इस वॉच को खरीदना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद है, आपके काम भी है। दोस्तों, मैं हूं फहीम, खुदा हाफिज, बाय बाय।